प्राची, जब तक तुम हमें बताओगी नहीं कि क्या हुआ है, तब तक हम चाह करके भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। जब तुम मेरी बात ही नहीं मान रहे, तो मैं कैसे? कैसी आवाज है? आंटी, पार्टी में ना जाने कहां से जोकर जैसा आदमी आ गया और ना जाने कौन सी भाषा में वो अजीब सा गाना गाने लगा। फिर अंकल, हम सब तो उसका मजाक उड़ा रहे थे, पर प्राची कह रही है कि उस आदमी के साथ साथ और भी कई आवाजें गा रही थी। क्या फिर से वही आवाजें? हाँ, वही आवाजें थी वहां पर। पर हमने क्यों नहीं सुनी वो आवाजें? प्राची, राजीव, मेरा विश्वास करो, वो है, वो आवाजें हैं। अगर तुम्हें सुनाई नहीं थी तो मैं क्या कर सकती हूँ? बेटा, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, ऐसी कोई आवाजें नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, वहम। डैडी, वो आवाजें हैं, वो आती है, सुनाई देती है मुझे। पर सिर्फ तुम्हें ही क्यों आवाजें सुनाई देती हैं प्राची? पार्टी में और लोग भी तो थे, उन्हें कुछ क्यों नहीं सुनाई दिया? आवाज के साथ साथ परछाइयां भी थी, तरह तरह की परछाइयां। किन परछाइयों की बात कर रही है तू? जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। राजीव, तुमने देखी है वो परछाइयां? नहीं आंटी। बेटा, अब तू भी समझाओ इसे, हम तो इसे कई बार कह चुके हैं कि कोई आवाजें नहीं है। सब है डैडी, सब है, आवाजें भी है, परछाइयां भी है। जब से वो मनुष्य गाना सुना है, तब से है। उस गाने के साथ में ही आती है। किस गाने की बात कर रही हो तुम? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कोई गाना नहीं था, कुछ भी तो नहीं। वो वही गाना जो वो जोकर गा रहा था? क्या, कौन सा गाना गा रहा था वो? कुछ समझ नहीं आया आंटी, न जाने कौन सा गाना गा रहा था। पर पाची, तुम्हारे सामने आके क्या बोला था वो? कब तक भागेगी वो परछाइयां, तुझे लेकर ही जाएगी। नहीं नहीं, कुछ नहीं। गाने के बारे में बोला था क्या? नहीं, मुझे गाने की रिकॉर्डिंग के लिए जाना है, मेरे स्टूडियो में रिकॉर्डिंग है, मैं चलती हूँ। राजीव, तुम छोड़ दो। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तो, राजीव, कौन से मनुष्य गाने की बात कर रही है दीदी? पता नहीं, पर इसकी हालत देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई तो भयानक चीज है जो उसके दिमाग में चल रही तेरे ख्यालों में उलझ गई, कहाँ कहाँ से गुजर गई, तन्हा जिंदगी शाम सी जैसे ढल गई, तेरे ख्यालों में उलझ गई। सर, कहाँ से गुजर गई। सर, वो प्राची जी का फोन आया था, वो बस 5 मिनट में पहुंचने वाली है सर। वेरी गुड, वो आने वाली है। मैं भी रेडी हूँ सर। सर, आपका म्यूजिक तैयार है सर। क्या बात करते हो तुम, अरे 3 रिहर्सल कर चुके, तन्हा जिंदगी शाम सी जैसे ढल 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 गई। मगर सर, पिछले हफ्ते जो प्राची जी ने गाना रिकॉर्ड किया था ना सर, सर उसका जवाब नहीं है सर। ओह, वो संगीत, अरे वो संगीत सुन के दुनिया पागल हो जाएगी। वाह, अरे प्राची खुद ऐसा संगीत बना सकती है, मैं तो देख के हैरान हूँ। ब्रिलियंट,
सच ए मेलोडियस म्यूजिक। मगर उसे खुद वो गाना पसंद क्यों नहीं आ रहा है? यही समझ नहीं आता। अरे यही तो समझ नहीं आता कि वो उस गाने को फेंकना क्यों चाहती है। मैं इतने सालों से म्यूजिक बना रहा हूँ, लेकिन सिर्फ आवाजों के ऊपर कोई गाना बनता हुआ मैंने आज तक नहीं सुना। ये लीजिए आपका संगीत, मैंने इसे और भी पॉलिश कर दिया है। तेरे ख्यालों में उलझ गई, कहाँ कहाँ से गुजर गई तन्हा। प्राची जी, हम लोग अभी आपके पिछले हफ्ते वाले गाने के बारे में ही बात कर रहे थे, उसका कोई जवाब ही नहीं है। आप फिर उसी गाने के बारे में बात कर रहे? वो एकदम बेकार गाना है, एकदम बेकार। पर प्राची, मैंने ऐसा गाना तो आज तक सुना नहीं है। मैंने कहा ना आपसे, मुझे उस गाने के बारे में कोई बात नहीं करनी, समझे आप? चलिए अब ये गाना रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक बात बोलूं सारेगामा जी? बोलो बंधु। अब रिकॉर्डिंग से पहले कुछ मीठी मीठी बातें हो जाए तो शायद संगीत भी मीठा हो जाए। आपके इस गाने में दम नहीं है। ये तुम दिल तोड़ने वाली बात कर रहे हो यार। मैं सच कह रहा हूँ, ये गाना पिट जाएगा। प्राची से वो गाना फिर से रिकॉर्ड करवा लो। अरे वो यही वाला मार्केट में आते से हिट हो जाएगा और तुम्हारी भी निकल पड़ेगी। मगर वो तो उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहती। एक बार उसे सुना दो, सुन के खुश हो जाएगी। मगर उसने तो कहा था गाने वाली सीडी खत्म कर दो। वो सीडी तो मैंने छुपा के रखी है। अरे इतने अच्छे संगीत को कैसे बर्बाद कर सकता था मैं? हाँ ठीक है, बचाओ। दीदी, दीदी आप ठीक तो हैं? ये सब मैं यहाँ हॉस्पिटल में कैसे? प्राची, यही तो हम भी जानना चाह रहे हैं। तुम स्टूडियो ही गई थी ना, फिर वहां पर ऐसा हुआ क्या कि सब स्टूडियो? हाँ दीदी, आप तो स्टूडियो गई थी ना गाना रिकॉर्ड करने के लिए, फिर ये सब कैसे हो गया? वो स्टूडियो में तो और भी लोग थे ना, वो सब कहा है? वो सबके सब मारे गए। क्या? उनमें से कोई भी नहीं बचा। बड़ी दर्दनाक मौत हुई उन सबकी। दीदी,
वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ही सबको मारा, वो मुझे भी मारते कि मारते कि मुझे। अरे फिर से वही परछाइयां, कैसी आवाज है, कैसी परछाइयां, ये तो क्या कह रही है? देख लेना माँ, माँ वो परछाइयां वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगी। एक मिनट, एक मिनट, आप थोड़ा आराम कीजिए, आप प्लीज सो जाइए। माँ वो परछाइयां मेरी जान लेकर रहेंगे, ये सब भी उन्होंने किया है। आप प्लीज सो जाइए, मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे